HMD ग्लोबल आने वाले दिनों में कई सारे स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। बेसिकली 2-3 स्मार्टफोन के बारे में तो ऑलरेडी इंटरनेट एरिया पे सरफेस हो रही है, मतलब इन फोन के लिए। इसमें सबसे पहला हो सकता है HMD फ्यूजन, जो कुछ ही दिनों में लॉन्च किया जा सकता है। उसके बाद आएगा HMD स्काईलाइन और साथ के साथ HMD की तरफ से आएगा एक टैब लाइट। बेसिकली टैब लाइट और HMD स्काईलाइन थोड़े से अट्रैक्टिव स्मार्टफोन हो सकते हैं, क्योंकि इनमें नोकिया की चिरपरिचित डिज़ाइन को भी कमबैक किया जा रहा है, मतलब रिवाइव किया जा रहा है, पुनर्जीवित किया जा रहा है, शायद पॉसिबली थोड़ा सा अट्रैक्शन के लिए। लेकिन हाँ, HMD के बारे में आपको बता दूँ, ये बेसिकली नोकिया का फादर है, मतलब ये भी यह कह सकता है कि नोकिया का डेवलपर है, क्योंकि नोकिया ब्रांडिंग के साथ HMD ग्लोबल स्मार्टफोन लॉन्च किए जा रहे हैं। तो अब बात करेंगे HMD फ्यूजन के बारे में, क्योंकि उस वाला स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशंस हैं हमें बहुत टाइम से लेके देखने को मिल रहे, और आज इस वाले स्मार्टफोन के सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस ऑनलाइन सरफेस हो रही हैं। बेसिकली इसके अट्रैक्टिव कुछ फीचर्स के बारे में, जैसे कि इसकी स्मार्ट एक्सेसरीज, और साथ ही में इसमें कुछ और भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे 120 हर्ट्ज़ वाली डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन का एक तगड़ा सा प्रोसेसर और एक बहुत भारी सी डिस्प्ले के साथ साथ कुछ और भी इसमें चीज़ें देखने को मिलेंगी जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि इस चैनल की सब्सक्राइबर। तो नया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लें। HMD फ्यूजन कंपनी क्या अपकमिंग मिड रेंज स्मार्टफोन होगा, जिसके स्पेसिफिकेशंस काफ़ी टाइम से लीक हुए हैं। इस वाले स्मार्टफोन में एक 6.67 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसका रेजोल्यूशन होगा फुल HD प्लस, साथ ही में इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी होगा। बेसिकली IPS वाला एक पैनल देखने को मिलेगा, जो कि रिफ्रेश रेट का तड़का लगाया जाएगा। साथ ही में स्नैपड्रैगन का इसमें 778G यानी क्वालकम स्नैपड्रैगन 778G वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही पुराना है, लेकिन हाँ इतना कहूँगा कि ठीक ठाक है। बस इस वाले स्मार्टफोन की जो प्राइस हो वो हाई ना कर दे, मतलब एक मिड रेंज स्मार्टफोन की जो प्राइस होती है वो लगभग 15,000 तक के आसपास होती है, तो उसी प्राइस कैटेगरी में ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा तो बेसिकली टू गुड। दूसरी चीज़ में आपको एक 8GB की रैम और 256GB तक का स्टोरेज ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जो कि क्वाइटली बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है। HMD फ्यूजन स्मार्टफोन में कैमरा एक खास फीचर्स हो सकता है, पॉसिबली क्यों, क्योंकि इस वाले फ़ोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसका मेन प्राइमरी 108 मेगापिक्सल का होगा। एक्चुअली बात किया जाए तो 64 मेगापिक्सल होगा, लेकिन ये पिक्सल बिनिंग के थ्रू 108 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ को कैप्चर करेगा, जो कि क्वाइटली गुड। साथ के साथ 2 मेगापिक्सल का एक दूसरा कैमरा होगा, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी हो सकती है इस वाले स्मार्टफोन में या मिल जाएगी, ओवरऑल देख के तो बहुत बढ़िया लग रहा है। साथ के साथ बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो 48 mAh की बैटरी हो सकती है, और 30W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को इस वाले स्मार्टफोन में मिल सकता है। इसके अलावा इस वाले स्मार्टफोन में वाईफाई 6E की कनेक्टिविटी मिल सकती है, साथ के साथ एक 3.5mm का जैक होगा, USB टाइप सी का पोर्ट सपोर्ट होगा। डायमेंशन की बात करें तो 8.56mm का होगा, 8.6mm का होगा, और इसका वेट 200 ग्राम का हो सकता है। बेसिकली ये वाला स्मार्टफोन रिसाइकल एल्युमिनियम और प्लास्टिक से मटेरियल से बना होगा, ओवरऑल देख के तो तगड़ा स्मार्टफोन लग रहा है, बस इसकी प्राइसिंग के बारे में थोड़ी सी लीक निकल के सामने आ जाए। ओवरऑल देख के HMD की तरफ से फिलहाल इस वाले स्मार्टफोन के लॉन्च के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकली, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा रहा है कि वाला स्मार्टफोन हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा स्मार्टफोन, क्योंकि HMD स्काईलाइन और HMD फ्यूजन और साथ के साथ HMD की तरफ से एक टैब देखने को मिल, मतलब इसके स्पेसिफिकेशंस इंटरनेट एरिया में सरफेस किए जा रहे हैं। इन सब स्पेसिफिकेशंस के बावजूद एक खास चीज़ है जो कि फ्यूजन स्मार्टफोन को सबसे अलग बनाती है, वो है इनका स्मार्ट आउटफिट नामक मॉड्यूलर एसेसरी के लिए पोगो पिन का एक समावेश होना। ये बेसिकली एप्पल की मैग्नेट शेप के जैसे काम करेगी, जो कि इसमें या फिर पॉसिबली थर्ड रियर कैमरा बन सकता है, या फिर गेमिंग कंट्रोलर बन सकता है, या फिर वायरलेस चार्जिंग को भी जोड़ा जा सकता है, कुछ ऐसे फीचर्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। ये चीज़ इस वाले स्मार्टफोन की एक खास वजह हो सकती है। प्राइसिंग के लिए अभी फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के सामने आई है, लेकिन हाँ बहुत ही जल्दी कंपनी इस वाले स्मार्टफोन से पर्दा जरूर उठा सकती है। उसके लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए इस वाले चैनल के साथ आप जरूर बने रहें, यानी सब्सक्राइब जरूर कर लें नोटिफिकेशन के साथ, क्योंकि सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आपको यही मिल सकती है या मिलेगी। वैसे HMD की तरफ से आने वाले स्मार्टफोन के बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट सेक्शन मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। नथिंग बहुत जल्दी स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है, स्टोरी आपके सामने है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो
तो लाइक या सब्सक्राइब सा बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।